दोस्तों, हम जैसे लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाले सिद्धू मूसेवाला भले आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी सिद्धू मूसेवाला का फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है। सिद्धू का मर्डर हुए पूरे एक साल होने वाले हैं, पर आज भी सिद्धू मूसेवाला को चाहने वाले कुछ इस कदर है कि लाखों लोग तो सिद्धू मूसेवाला के नाम और चेहरे का टैटू अपने बॉडी और कार पर बनवा रखे हैं। दोस्तों, अगर आप सिद्धू पाजी के फैन होंगे तब तो आप ये जरूर जानते होंगे कि हमारे सिद्धू पाजी महंगे महंगे हथियारों, गाड़ियों और ट्रैक्टरों के बहुत ही ज्यादा शौकीन थे। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि सिद्धू मूसेवाला के पास एक ऐसा गन था कि जिसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए है, और इनके पास एक ऐसा ट्रैक्टर भी था कि उसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए से भी अधिक बताई जाती है। और ये तो दोस्तों अभी केवल ट्रेलर है। सिद्धू पाजी के पास कई और भी महंगी महंगी चीजें मौजूद थी कि जिसकी कीमत सुनकर आप दंग रह जाएंगे। अगर आप भी सिद्धू मूसेवाला के महंगे महंगे शौक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको सिद्धू मूसेवाला का एक ऐसे हथियार के बारे में बताऊंगा कि अगर शूट आउट वाले दिन वो हथियार सिद्धू पाजी के पास होता तो शायद सिद्धू पाजी आज जिंदा होते। और उस हथियार की कीमत इतनी है कि उतने कीमत में तो आप कई लग्जरी कारें खरीद सकते हैं। वैसे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सिद्धू पाजी के सच्चे फैन हैं तो आप इस वीडियो को 1 लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सिद्धू मूसेवाला के कार कलेक्शन की। तो दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला महंगी महंगी कारों के काफी ज्यादा शौकीन थे और उन्होंने कई महंगी महंगी कार भी खरीद रखी थी। अगर बात करें सिद्धू के कार कलेक्शन की तो नंबर 1 पर एक व्हाइट कलर की टोयोटा फॉर्च्यूनर था जिसकी प्राइस 45 लाख रुपए है। नंबर 2 पर हैमर H2 था जो कि 4 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देता था जिसकी प्राइस 75 लाख रुपए है। नंबर 3 पर एक महिंद्रा की 4x4 थार था जो फुल्ली मॉडिफाइड था, और इसी थार में ही सिद्धू मूसेवाला का मर्डर भी हुआ था। बात करें इसकी कीमत की तो इसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए है। वैसे ये थार ऑन रोड प्राइस केवल 18 लाख रुपए की ही थी, लेकिन सिद्धू पाजी ने इस थार को फुल्ली मॉडिफाइड करा रखा था जिसकी वजह से इसकी कीमत इतनी बढ़ गई। नंबर 4 पर रेंज रोवर था जो कि यह 235 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से दौड़ती है, और इसकी ऑन रोड प्राइस करीब 1 करोड़ 45 लाख रुपए है। नंबर 5 पर फोर्ड की मुस्तैज था जिसकी ऑन रोड प्राइस करीब 90 लाख रुपए है जो कि 250 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से दौड़ता है। एंड फाइनली नंबर 6 पर मर्सिडीज की जी वैगन था जो कि यही कार सिद्धू मूसेवाला की सबसे फेवरेट और सबसे महंगी कार मानी जाती थी। बात करें इसकी प्राइस की तो इसकी अप्रोक्स प्राइस 3 करोड़ 50 लाख रुपए है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला के पास एक रॉयल एनफील्ड की बुलेट और 2 महिंद्रा स्कॉर्पियो भी मौजूद थी। अब चलिए आपको बताते हैं कि सिद्धू मूसेवाला के पास कौन कौन सा ट्रैक्टर था और उसकी कीमत कितनी थी। तो दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला के पास जितनी महंगी महंगी कारें थी उससे ज्यादा महंगी तो उनके पास ट्रैक्टर था। वैसे इनके पास 3 ट्रैक्टर था। नंबर 1 पर प्रीत 4WP था जो ये ट्रैक्टर 4 सिलेंडर का 100 हॉर्स पावर वाला था जिसकी कीमत 22 से 25 लाख रुपए है। नंबर 2 पर HMT 5911 था जो 58 हॉर्स पावर वाले इंजन के साथ आता है, और इसी ट्रैक्टर से सिद्धू मूसेवाला अपनी खेती करते थे। बात करें इसकी कीमत की तो इसकी कीमत 3 से 4 लाख रुपए है। नंबर 3 पर सिद्धू मूसेवाला के पास एक ऐसा ट्रैक्टर मौजूद था कि उस ट्रैक्टर को सिद्धू मूसेवाला ने खरीदा नहीं था, बल्कि वो पर्सनली अपने लिए उस ट्रैक्टर को बनवाए थे। जो ये ट्रैक्टर फुल्ली मॉडिफाइड है, और आप पक्का इस ट्रैक्टर की कीमत सुनकर चौंकने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इस ट्रैक्टर का एक टायर ही 5 लाख रुपए का है। इस ट्रैक्टर के फीचर की बात करें, इसमें 150 हॉर्स पावर का 4 सिलेंडर वाला एक पावरफुल इंजन लगा हुआ है। इसके साथ ही इसमें 4 JBL के बड़े बड़े साउंड भी लगे हुए हैं। वहीं बात करें इसकी कीमत की तो इस ट्रैक्टर की अप्रोक्स प्राइस करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए बताई जाती है। अब चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि सिद्धू मूसेवाला के पास कौन कौन सा हथियार या गन मौजूद था। दोस्तों आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला गन रखने के बहुत ही ज्यादा शौकीन थे, और आपने सिद्धू के लगभग हर एक गाने में इन्हें महंगे महंगे गन का इस्तेमाल करते हुए जरूर देखा होगा। सिद्धू गन के इतने ज्यादा शौकीन थे कि ये AK-47 जैसे खतरनाक गन को भी रखते थे, और इसी AK-47 गन को रखने की वजह से साल 2019 में सिद्धू मूसेवाला को जेल भी जाना पड़ा था। वहीं बात करें
सिद्धू के गन की तो इनके पास राइफल, AK-47, तुर्की पिस्टल, अमेरिकन मिनी पिस्टल जैसे कई लीगल और इलीगल गन मौजूद था। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दें कि सिद्धू मूसेवाला के पास तुर्की की जिगाना 9mm नाम की एक ऐसी पिस्तौल थी कि अगर ये तुर्की की पिस्टल शूट आउट वाले दिन सिद्धू मूसेवाला के पास होती तो शायद सिद्धू मूसेवाला अपनी जान बचा लेते, क्योंकि दोस्तों तुर्की में बनी ये पिस्टल एक बार में 18 गोली फायर कर सकती है और ये दुनिया की सबसे डेंजरस पिस्टल मानी जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वैसे अगर आप सिद्धू मूसेवाला के सच्चे फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।